Hello everyone, my name is Yamini Tokral and I welcome you to Adda 24/7 School. तो बच्चों chapter 20 locomotion and movement के अंदर हमने last lecture के अंदर देखा था कि क्या क्या disorders होते हैं हमारे muscular और skeletal muscle के अंदर और उसके साथ हमने सारे के सारे subtopics जो थे locomotion and movement के cover कर लिए थे. तो आप मेरे वो सारे subtopics जाके देख सकते हैं मेरी playlist के अंदर. तो आज हम लोग इसके NCERT questions करके इस chapter को wind up कर देंगे. तो चलिए start करते हैं अपने NCERT questions के साथ. So the first question is, draw the diagram of a sarcomere of skeletal muscle showing different regions. तो जब हम sarcomere की बात करते हैं, it is the functional unit. मसल का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो हमारा सार्कोमियर होता है और उसी का हमने जो है स्ट्रक्चर बनाना है. तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनेगा, ये हमारा ए बैंड हो गया, ये हमारा आई बैंड हो गया, देन हमारा सेकेंडरी मायोफिलामेंट, प्राइमरी मायोफिलामेंट, दिस इज द क्रॉस ब्रिजेस विच आर फॉर्म्ड, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द एच जोन एंड दिस इज द होल इन होल द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमियर. आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस डायग्राम में और कुछ बताने का नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम ही ड्रॉ करना था. तो आप डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ हमने ये वाला डायग्राम देखा था. तो फटाफट से एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो जब हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करते हैं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर क्या हुआ था, द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स दे स्लाइड पास्ट ईच अदर. हमने जो देखा था लेक्चर्स के अंदर हमने यही देखा था कि एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स है दे स्लाइड पास्ट ईच अदर और उससे क्या करते हैं वो एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से जो लेंथ है Length of the muscle reduces. Length of the muscle reduces. Muscle की length की reduction हो जाती है due to contraction because of the formation of the cross bridges. तो sarcomere भी हमारे छोटे हो जाते हैं. तो जिस सार्कोमियर ये हमारा जो है नॉर्मल रिलैक्स स्टेट के अंदर है ये सारे के सारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसकी लेंथ जो है छोटी हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स दे स्लाइड पास्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर So the next question is, describe the important steps in muscle contraction. तो इसके अंदर हमने क्या define करना है, हमारी sliding filament theory. इसके अंदर हमने क्या define करना है, sliding filament theory. ठीक है. So या तो ये question ऐसे आएगा कि important steps in muscle contraction या फिर दूसरे वे से ये आ सकता है कि define sliding filament theory. मतलब define the important steps in sliding filament theory. So It states that the contraction of a muscle fiber takes place by sliding of the thin filaments over the thick filaments and as the nerve impulse it reaches the terminal end of the synaptic vesicles they fuse with the axon membrane and release a chemical transmitter which is the acetylcholine. तो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर यूज होता है जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है वो क्या होता है हमारा एसिटिलकोलिन ही होता है. क्या होता है हमारा एसिटिलकोलिन ही होता है. इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट्स ऑफ द मोटर एंड प्लेट एंड जब डीपोलराइजेशन होती है मोटर एंड प्लेट की इट रीचेस अ सर्टेन लेवल एंड इट क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल. तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही हुआ एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन है ना. सबसे पहला स्टेप हमारा यही है एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन जो है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब जो नर्व हमारी इंपल्स है इट रीचेस द एंड ऑफ द एक्सॉन जो साइनाप्टिक वेसिकल्स है वो फ्यूज कर जाते हैं विद द एक्सॉन और उससे वो क्या रिलीज करते हैं हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होता है एसिटिलकोलिन. फिर वो जाके रिसेप्टर साइट्स मोटर एंड प्लेट पे जाके अटैच हो जाता है. इट कॉजेज द डीपोलराइजेशन ऑफ द मोटर एंड प्लेट एंड इट रीचेज अ सर्टेन लेवल टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल. तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो पहले स्टेप के अंदर क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन. ठीक है. सो देन एक्शन पोटेंशियल इट पासिस फ्रॉम द मोटर एंड प्लेट ओवर द सार्कोलेमा. सार्कोलेमा क्या होता है, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर एंड देन इनटू द टी ट्यूब्यूल्स एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्टिमुलेट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू सिक्रीट द कैल्शियम आयन्स. जो बेसिकली इसमें मेन काम हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर होता है कैल्शियम आयन सिक्रीशन. क्या होता है, कैल्शियम आयन सिक्रीशन.
तो वही इसके अंदर बताया है कि पहले जो है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है रिलीज, उसके बाद में क्या होता है जो एक्शन पोटेंशियलाइट पासेज ओवर द मोटर एंड प्लेंट ओवर द सार्कोलेमा इन टू द टी ट्यूब्यूल्स एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद में क्या होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो स्टिमुलेट कर देती है एक्शन पोटेंशियल क्या कि टू रिलीज कैल्शियम आयन इन टू द सार्कोप्लाज्म, और जो कैल्शियम आयन्स हैं दे अल्टीमेटली बाइंड टू द ट्रोपोनिन एट कॉजेज द चेंज इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर and this alters the shape and position of the tropomyosin to which the troponin binds and this shift it exposes the active site on the F actin molecule. तो क्या होता है कैल्शियम आयन्स बेसिकली क्या करते हैं दे वांट टू बाइंड टू द ट्रोपोनिन, वो बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन की जो है चेंज इन शेप ऑल्टर कर देता है, और क्या करता है दिस शिफ्ट इट एक्सपोजेस द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट्स है हमारी एफ एक्टिन पे उसको ये एक्सपोज कर देता है ताकि कि जो मायोसिन है वो उस पर आके बाइंड कर जाए. Then myosin cross matches, they are then able to bind these active sites. जैसे कि मैंने बताया F actin molecule की जो active sites है ना बच्चे उसको expose कर देते हैं हमारे calcium ion, ultimately वहाँ पे आके myosin bind कर जाता है. So the heads of the myosin, they project laterally from the thick myofilaments towards the surrounding thick myofilaments. And these heads, they are called the क्रॉस ब्रिजेस. जो ये मायोसिन के हेड होते हैं दीज हेड्स दे आर बेसिकली नोन एज दी क्रॉस ब्रिजेस. मायोसिन आपको मैंने बताया था कि कितने उसके डिविजन्स होते हैं, एक तो होता है उसका ग्लोबुलर हेड, फिर आती है उसकी एक नेक, और फिर आती है एक टेल. तो ये तीन चीजों में, तीन पार्ट्स में जो है हमारा मायोसिन जो है उसकी बॉडी डिविजिबल होती है, तीन पार्ट्स के अंदर उसकी बॉडी डिविजिबल होती है. सो द हेड्स ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल दे प्रोजेक्ट लेटरली फ्रॉम द थिक मायोफिलामेंट्स टुवर्ड्स द थिन मायोफिलामेंट्स, और दीज हेड्स दे आर कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिजेस. सो द हेड ऑफ ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इट कंटेन्स एंजाइम मायोसिन ATPase, कैल्शियम एंड Mg+2 आयन्स ATP, breaks down into the ADP and inorganic phosphate and releases energy in the head. तो हमारे पास energy कैसे आती है head के अंदर, when the ATP it breaks down into ATP, है ना. जो myosin molecule का head होता है ना बच्चे उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारा होता है ATPase, calcium and magnesium ions, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है ATP से energy आती है, ATP breaks down into ADP and inorganic phosphate और उससे जो है energy आ जाती है. So the energy from the ATP it causes energized myosin cross bridges to bind to the actin. So ATP, myosin ATPase, calcium, magnesium ion, ATP plus PI plus energy. So जो energized cross bridge होते हैं वो move करते हैं towards the actin और thin myofilaments को अपनी तरफ pull करते हैं, अपनी तरफ pull करते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा सा structure formed हो जाता है, ऐसा structure form हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं cross bridges, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं cross bridges. तो ये क्या होता है थिन फिलामेंट, इट स्लाइड्स ओवर दी थिक फिलामेंट. ये हमारी थिक है, ये हमारी थिन है, तो इससे क्या होता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे के स्लाइड पास हो जाते हैं, एक दूसरे के स्लाइड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. So the next question is, write true or false. If false, change the statement so that it is true. So the first, actin is present in the thin filament. It is true, actin it is present in thin filament or myosin is present in thick filament. ठीक है, इससे आपको याद रहेगा. H zone of the striated muscle fiber represent both thick and the thin filament. तो जो H zone की हम लोग बात करें क्या वो दोनों thick और thin filament दिखाता है? No, no. It is false. H zone जो होता है basically it represents only the thick filaments. क्या represent करता है? Only the thick filaments जो कि non-overlapping होते हैं. Non-overlapping जैसे ही thick filaments जो है overlap हो जाते हैं H zone भी हमारा disappear हो जाता है. तो H zone it basically represents the It basically represents the thick filaments और वो भी non-overlapping. जैसे ही muscle contract होगा वो H zone भी हमारा disappear हो जाता है क्योंकि वो non-overlapping वाला H zone जो है disappear हो जाता है. Human skeleton has 206 bones. True.
206 ही होती हैं. देर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन. आर देर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स? अगर हम लोग टोटल करें तो क्या 11 पेयर्स ऑफ रिब्स है? नहीं, 12 पेयर्स है. 12 पेयर्स है तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द मैन. स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, क्योंकि एच जोन जो हमारा होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स नॉन ओवरलैपिंग थिक फिलामेंट्स. देन ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स. इट इज ट्रू. फोर्थ इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है. कितनी होती है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है. देन हमारी स्टर्नम जो होती है इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. इट इज ट्रू. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, रेड एंड व्हाइट मसल्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. तो हमने क्या करना है, इनके डिफरेंसेस लिखने हैं. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन. इट इज एक्टिन, इट इज नोन एज द थिन मायोफिलामेंट, एंड मायोसिन इट इज नोन एज द थिक मायोफिलामेंट. सो हमारा जो एक्टिन इट इज प्रेजेंट बोथ इन आई एंड ए बैंड्स. ठीक है. आई का फुल फॉर्म क्या है हमारा? आइसोट्रोपिक. और ए का क्या है हमारा? एन आइसोट्रोपिक. तो जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है, जो कि हमारा थिन फिलामेंट है, इट इज प्रेजेंट बोथ इन द आई एंड द ए बैंड्स. एंड द मायोसिन द थिक फिलामेंट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द ए बैंड ऑफ द सार्कोमियर. जो थिन फिलामेंट्स है दे आर थिनर बट शॉर्टर देन मायोसिन फिलामेंट्स. मायोसिन फिलामेंट्स दे आर थिकर बट लॉन्गर. ठीक है. देन एक्टिन फिलामेंट्स में क्या होता है? देयर क्रॉस ब्रिजेस दे आर एब्सेंट, हैज हेंस हैव स्मूथ सरफेस. तो पर मायोसिन के अंदर हमने देखा था हमारे क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव अ रफ सरफेस. सो एक्टिन फिलामेंट्स दे आर मोर न्यूमरस देन मायोसिन फिलामेंट्स, एंड सिक्स ऑफ देन दे सराउंड ईच मायोसिन फिलामेंट, एंड द मायोसिन फिलामेंट दे आर फ्यूअर देन द एक्टिन फिलामेंट्स. Then actin filaments, they are free at one end and are joined to Z line by the other end. एक एंड पे वो लोग फ्री होते हैं, एक एंड पे दे आर ज्वाइंट बाय द Z line. Then next, myosin, they are free at both the ends. Then actin, it consists of three proteins, actin, troponin and tropomyosin. Then myosin, it is consists of two proteins, myosin and miromyosin. Actin, they slide into the H zone during muscle contraction, and myosin, they do not slide during the muscle contraction. क्योंकि thick filaments ही pull करते हैं thin filaments को, तो ultimately thin filaments जो है slide करते हैं, thick filaments वहीं पे intact रहते हैं. ठीक है. So the next is red muscle fibers and white muscle fibers. So red muscle fibers, they are thin. White muscle fibers, they are much thicker. The red muscle fibers, they contain abundant mitochondria, low glycogen content, poorly formed sarcoplasmic reticulum. ठीक है. So, जो हमारे white muscle fibers होते हैं, they are poor in mitochondria, they have abundant glycogen granules and well-formed sarcoplasmic reticulum. Red muscle fibers, they are red as they contain abundant pigment myoglobin. Or, white muscle fibers के अंदर very little myoglobin is there. ठीक है. देयर मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन एज ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड रिलीजेस ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो हमारे व्हाइट मसल फाइबर्स है दे हैव लिटल और नो स्टोर ऑफ ऑक्सीजन. रेड मसल फाइबर्स क्योंकि वो रेड है, उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी मायोग्लोबिन. ठीक है. और व्हाइट वाले व्हाइट इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है. Then the red muscle fibers, they get energy for contraction by aerobic respiration, क्योंकि उनके अंदर oxygen होती है तो aerobic respiration से ही जो है उनसे energy आ जाती है. पर जो ये white muscle fibers है, they get energy by the anaerobic respiration. Then red muscle fibers, they accumulate little lactic acid. तभी वो लोग red है, उनके अंदर oxygen इतना abundant है तो उन्हें lactic acid की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? उन्हें lactic acid की क्या ही जरूरत पड़ेगी. पर white muscle fibers, they accumulate lactic acid during strenuous work, क्योंकि उनके अंदर oxygen reserves होते ही नहीं है. Then red muscle fibers, they undergo slow sustained contractions for long periods. पर white muscle fibers, they undergo fast contraction for short period. उनके अंदर instant source of energy है जो कि क्या है? Lactic acid. इसलिए वो लोग fast contractions कर सकते हैं. पर जो red muscle fiber है वो हमेशा aerobic respiration से ही breathe करते हैं, इसलिए उनकी जो contraction होती है वो slow और sustained होती है. पर they do not get fatigue with work.
the red muscle fibers, but white muscle fiber they soon get fatigued. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रेड मसल फाइबर के एक्सटेंसर मसल इन द बैक ऑफ द मैन, देन व्हाइट मसल के आई बॉल मसल्स. ओके, देन द लास्ट डिफरेंस इज पेक्टोरल एंड द पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल कहाँ पे होता है, अपर रीजन ऑफ द थोरैक्स, एंड पेल्विक गर्डल लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक. तो इसमें क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल में अंदर दो डिससिमिलर बोन से ये बना होता है, कौन सी होती है, स्कैपुला एंड क्लेविकल. पेल्विक गर्डल में क्या होता है, दो सिमिलर बोन्स होती है इनोमिनेट. Then scapula or clavicle, they are not further divided. Innominate jo bone hai, it consists of three bones, ilium, ischium and pubis. Then pectoral girdle, it provides articulation of the arm bones, or jo pelvic girdle hai, articulation of the bones of the leg. Then pectoral girdle, it has its lateral angle, a shallow concavity which is known as the glenoid cavity for the articulation of the head of the humerus. Glenoid cavity के अंदर जो है humerus का head articulate करता है. पर pelvic girdle के अंदर क्या होता है, middle के अंदर lateral surface के अंदर क्या होता है, deep cup shape hollow acetabulum होता है. क्या होता है, acetabulum होता है. तो ये थे हमारे कुछ point of differences. Next question is, match the column 1 with column 2. तो column 1 को हमने column 2 से जो है मैच करना है. स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री. तो हमारा ए का हो गया 4. मैं साथ साथ आंसर लिख रही हूं, आप लोग भी टैली कर लेना कि सही है ना, है ना. देन स्कल हमारा हो गया सूचर्स, रेड मसल्स मायोग्लोबिन, ट्रोपोमायसिन, थिन फिलामेंट. तो बी का हमारा आ गया 2, सी का हमारा आ गया 1, एंड डी का हमारा आ गया 3. तो ये है हमारी फाइनल आंसर की, आप इसको एक बारी चेक कर लीजिए. ठीक है, ये है हमारी आंसर की, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3. क्योंकि स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, है ना, हमारी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं. नेक्स्ट ट्रोपोमायसिन हमारा एक्टिन के अंदर प्रेजेंट होता है, विच फॉर्म्स दी थिन फिलामेंट. रेड मसल के अंदर अबंडेंट मायोग्लोबिन होता है, जैसे कि अब हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, एंड स्कल के अंदर सूचर्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे जो है आंसर्स यहाँ पे आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विच आर एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी मूवमेंट्स कौन कौन सी होती है, अमीबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर. ये तीन मूवमेंट्स हमने देखी थी, तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं. अमीबॉइड मूवमेंट्स की हम बात करें तो दे आर फाउंड इन द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द ब्लड, फैगोसाइट्स, एंड इन सच मूवमेंट्स दे आर ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेरी फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच आर नोन एज द सूडोपोडिया एज वी कैन सी इन अमीबा. तभी इसका नाम पड़ा है अमीबिक मूवमेंट्स, मतलब जो कि अमीबा में जैसे सूडोपोडिया के थ्रू जो मूवमेंट्स होती है, वैसे ही इसके अंदर भी टेम्परेरी प्रोजेक्शन आती हैं इन सेल्स के अंदर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट. सो कंपेयरिंग इट विद अमीबा, हम लोग इसको अमीबिक मूवमेंट कहेंगे क्योंकि ये सूडोपोडिया के थ्रू हो रही है, तो सूडोपोडियल या फिर अमीबिक मूवमेंट. तो सूडोपोडिया किसकी वजह से फॉर्म होता है, बाय द फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज नोन एज द साइक्लोसिस. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मूवमेंट एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स लाइक द माइक्रोफिलामेंट्स. तो ये फैगोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बेसिकली फैगोस सूडोपोडिया या फिर अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं, सूडोपोडियल मूवमेंट या फिर अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं, जिसके अंदर जैसे अमीबा सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट के थ्रू जो है कैप्चर करता है प्रे को, वैसे ही ये जो है सेल्स फॉरेन पैथोजन को कैच करके उनको बाहर निकाल देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सिलरी मूवमेंट्स. सो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जो है दे आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. उनके अंदर क्या होता है, सीलिया होता है, सीलिया होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे ट्रैकिया के अंदर, ओविडेक्स के अंदर, वास एफरेंशिया के अंदर. सो दे प्रोपेल द डस्ट पार्टिकल्स, एग्स एंड द स्पर्म्स रिस्पेक्टिवली बाय देयर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शंस. तो इसलिए हम लोग उसे सिलरी मूवमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सीलिया. लास्ट हमारी आती है मस्कुलर मूवमेंट, बाय द एक्शन ऑफ द स्केलेटन जॉइंट्स एंड द मसल्स. सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड अ कार्डियक मसल. तो हम कैसे जो है डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल. तो स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल या फिर जिसको हम लोग वॉलेंटरी मसल भी बोल सकते हैं, और कार्डियक मसल हमारा बेसिकली इट इज इनवॉलेंटरी.
वैसे इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे जो स्पेसिफिक होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, पर इनके अंदर भी इनवॉलेंट्री जो है हमें देखा जाता है. तो स्ट्राइटेड मसल दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स ऑफ द टंग, फैरिंग्स, बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस, मतलब जिस जहाँ जहाँ पे हमारी मर्जी चल रही है वहाँ पे हमारे स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल आएंगे. वहीं पे जब हम कार्डियक मसल की बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना केवा. The fibers, they are unbranched in skeletal muscle. The fibers, they are branched. They form branching pattern in the cardiac muscle. Then, skeletal muscle, they are multinucleate. They contain many nuclei. But cardiac muscle, kya hote? They are uninucleate. They only contain one single nuclei. Skeletal muscle, ke andar light and the dark bands are present. But cardiac, ke andar kya hote? Faint light and the dark bands, they are present. फिर स्ट्राइटेड मसल के अंदर नो ओब्लीक ब्रिजेस एंड इंटरकैलेटेड डिस्क, पर अगर ब्रांचिंग हो रही है कार्डियक मसल में तो उसके अंदर क्या आएगा, ओब्लीक ब्रिजेस भी बनेंगे और इंटरकैलेटेड डिस्क भी मौजूद होगी. ठीक है, सो द नर्व सप्लाई इन द स्केलेटल मसल, इट इज बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द नर्व सप्लाई फ्रॉम द ब्रेन एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन द हार्ट. ठीक है, सो स्केलेटल मसल की वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट मसल की भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती है, पर जो स्केलेटल मसल होते हैं दे सून गेट फटीग, पर जो कार्डियक मसल होते हैं दे नेवर गेट फटीग. अगर वो लोग फटीग आ गया उनको तो द ह्यूमन बींग्स आर डेड. अगर कार्डियक मसल्स को फटीग आने लग गया तो डेड होना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर वो हुए तो ब्लड पंप करना बॉडी के अंदर बंद कर जाएगा. एज आई सेड द स्केलेटल मसल दे आर वॉलेंट्री एंड द कार्डियक मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री. दे work according to their will, not according to the human's will. ठीक है, so name the types of the joint between the following. सबसे पहला है atlas axis. atlas axis में हमारा आता है pivot joint. second हमारा है carpal metacarpal of the thumb. it contains the saddle joint. मैं यही लिख देती हूँ, आपको ज़्यादा easy रहेगा. saddle joint, pivot joint. बिटवीन द फैलेंजेस आता है हमारा हिंज जॉइंट. जैसे डोर के अंदर हिंज होता है ना, तो हिंज सिर्फ आगे पीछे चलता है, वैसे ही फैलेंजेस के बीच में भी जो आता है देखो सिर्फ आगे पीछे चल रहा है ना, इसलिए इसे हिंज जॉइंट बोलते हैं. फीमर एसेटाबुलम, इट कंटेन्स बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, उसके बाद में बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, वो बिल्कुल इमूवेबल होती है इसलिए फाइब्रस. Between the pubic bones in the pelvic girdle, it contains cartilaginous joint. तो ये question आ सकता है, आपका important question है. तो ये types of joint यही आएंगे, क्योंकि NCERT के अंदर यही वाले joints जो हैं यही mentioned है, specifically यही वाले joints जो हैं यही mentioned है, तो यही आ सकते हैं. Next question, fill in the blank spaces. All the mammals except a few have dash cervical vertebra. कितने cervical vertebra होते हैं mammals के अंदर? 7. कुछ के exceptions के बाद 7 cervical vertebra होते हैं. So the number of phalanges in each limb of the human. कितने phalanges होते हैं हमारे? 14. 14 phalanges होते हैं. The thin filament of the myofibril, it contains two effectins and two other proteins, namely troponin and tropomyosin. Troponin and tropomyosin. In a muscle fiber, calcium it is stored in sarcoplasmic reticulum. किसमें stored होता है? Sarcoplasmic रेटिक्यूलम. वहीं से तो रिलीज होता है कैल्शियम आयंस, है ना, वहीं से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही तो रिलीज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, 11th एंड 12th. व्हाई आर दे कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स? क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं होती है, है ना, वो फ्लोट कर रही होती है, वो स्टर्नम और थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच नहीं होती है, दे आर फ्लोटिंग. Then last, the human cranium is made of, ये इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, fill in the blank, the human cranium is made up of
एट बोन्स. ओके, एट बोन्स का बना होता है. तो क्लियर है सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है. तो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इससे पहले वाले सब टॉपिक्स इसी चैप्टर के लिए अगर आपने देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.